माय चैनल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी सब अच्छे हैं। तो गाइज, आप सबको पता ही है आज है हरियाली तीज, तो सभी को राधे राधे। तो मेरी सारी सखियां, भाभियां, मेरे यूट्यूब के सभी फैमिली को हरियाली तीज की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबके घर में हरा भरा और खुशियों से भरा रहा है भंडार। तो गाइज़ देखिए, यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पहना है अपना ये न्यू सूट। तो गाइज़ मैंने ग्रीन कलर में सूट नहीं पहना है क्योंकि मैं हर बार पहनती थी ग्रीन, इस बार मेरे पास ये न्यू सूट सिला हुआ रखा था तो इसलिए मैंने ग्रीन सूट नहीं सिलवाया। ये भी लाइट घिये कलर में ही है और वैसे तो देखो सभी कलर भगवान के दिए हुए होते हैं, अनमोल कलर होते हैं और अच्छा लगता है कि ज़िंदगी में हर कलर हम पहने और इन्जॉय करें अपने जीवन को। तो गाइज़ आप सबको मैं एक बात और बताने वाली हूँ कि मैं कल मेहंदी नहीं लगा पाई हरियाली तीज पे। मैंने सोचा था कि मैं मेहंदी लगाऊंगी पर घर के काम करते करते रात को बच्चों को सुलाने के चक्कर में मैं मेहंदी की कीप अपने पास रख के तो लेट गई थी कि मैं नॉर्मल पाकिजा मेहंदी लगा लूँगी कि रक्षाबंधन पे मैं छापे वाली मेहंदी लगवाऊंगी डिज़ाइन वाली, पर मैं वो भी भूल गई। रात के 2 बजे महक के डैडी ने मुझे बोला कि तूने मेहंदी नहीं लगाई, तो मैंने कहा नहीं अब मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, तो इसलिए मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई। बस मैंने ये चूड़ियाँ वगैरह डाल ली है, नेल पेंट भी अभी नहीं लगाया क्योंकि अभी देखो हम सुबह 5 बजे के वैसे भी उठे हुए हैं, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, दोनों बेटियां मेरी स्कूल जा चुकी हैं, उनकी मैंने छुट्टी नहीं कराई। मैंने कहा यहाँ करेंगी भी अभी क्या, बच्चे स्कूल चले जाएं, शाम को ही खाना पीना बनाऊंगी तीजों का, तो बच्चे भी मेरे मना कर देते हैं इसलिए मैंने उनकी छुट्टी नहीं कराई। तो यहाँ मैं तो रेडी हो गई हूँ, अभी बजे हैं 10 और मेरा मोस्टली सभी काम कम्प्लीट हो गया, नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब करते हैं अपने लड्डू गोपाल को तैयार मंदिर में, क्योंकि आज के दिन वृंदावन में बाकी बिहारी जी मंदिर में भी हमारे बाकी बिहारी जी झूले पर बैठ जाते हैं, राधा रानी झूले पर बैठ जाती है। वैसे तो सावन के महीने में हमारे सभी देवी देवता झूले पे विराजमान हो जाते हैं क्योंकि सावन है ही इतना शुभ दिन, महादेव के दिन होते हैं, तो इसीलिए। चलिए गाइस हम करते हैं अब अपने लड्डू गोपाल को भी तैयार और आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल का झूला सजा दिया है, निकाल के अच्छे से इसको साफ करके गंगा जल से शुद्ध करके रख दिया था। और यहाँ मेरे लड्डू गोपाल की रखी है ड्रेस, काना की भी मैं ड्रेस लेने गई थी तो मुझे पूरी ग्रीन में नहीं मिली, मतलब साइज़ नहीं मिला था, तो मुझे जो साइज़ मिला मैं वो ले आई और मैं पटका ले आई थी ग्रीन कलर में। माता जी को भी मैं चुन्नी उड़ाऊँगी ये, और ये मेरे प्यारे से मोर का सेट है काना जी के, जो हमेशा मैं झूले के पास रखती हूँ। तो चलिए गाइस अब मेरे लड्डू बाबू मंदिर में उठ चुके हैं राधे राधे, बस अब इनको जल्दी से तैयार करते हैं। तो गाइस देखिए मेरे लड्डू बाबू तैयार हो चुके हैं, कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी हरियाली तीज पे। देखिए मैंने ये उनको जो मैं पटका लाई थी ये मैंने ऊपर से डाल दिया, बाकी मेरी ड्रेस में भी थोड़ा सा ग्रीन कलर है, माला भी मैंने नई पहनाई है उनको। और मैं ज़्यादा एकदम व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ, बच्चे गए हुए स्कूल, तो मैं पूरी वीडियो नहीं ले पाई हूँ कान्हा जी को तैयार करने की। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए करते हैं अब मंदिर की पूजा, फिर कान्हा जी को सावन के हरियाली तीज के झूले झूलाते हैं। तो गाइज़ मैंने लड्डू गोपाल की भोग पूजा सब दे दी है, पूजा भी हो गई है मंदिर की, अब मैं कान्हा जी को भोग दूंगी और अपने कान्हा जी को सावन के झूले झूलाएंगे। चलिए गाइज़ देखिए, मैंने अपने मंदिर की सभी पूजा कर दी है जैसे कि आपको दिखाया ही है, मैंने अपने कान्हा जी को झूला भी झूला दिया है। तो अभी मैं मंदिर में जाके जल भी चढ़ा के आ गई हूँ शिवलिंग पर, क्योंकि सावन तो है ही, हम डेली शिवलिंग पे जल पूजा करते हैं। तो गाइस अब ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम चलते हैं झंडे वाले मंदिर, क्योंकि मैं हर तीज पर झंडे वाला मंदिर जाती हूँ। वैसे तो वहाँ शाम में तीज का मेला वगैरह भी लगता है, मेहंदी वगैरह भी लगती है, पर मैं शाम में नहीं जाऊंगी क्योंकि है ना बारिश का मौसम हो रहा है, मैके डैडी ऑफिस में बिजी हो जाते हैं, फिर बच्चे भी घर में होते हैं, नहीं जा पाऊंगी, इसलिए मैं सुबह ही होके आ जाती हूँ। तो चलिए चलते हैं मंदिर, और उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर से, जो मम्मी के घर से सावन की कोतली आई थी तो वो सामान मैंने आपको दिखाया नहीं था, वैसे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं आया, हम थोड़ा बहुत ही सामान लेते हैं, तो जो भी है मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ सावन में जो मेरा सूट आया था मम्मी के घर से, वो ये वाला सूट है, ये मैंने अपनी पसंद से लिया, बहुत हैवी हैवी सूट मैंने ले लिए, ये मेरा श्रृंगार का सामान है, जो मुझे ज़रूरत था सिर्फ मैंने ये भी वही लिया, 5 श्रृंगार करके ये सूट है, बहुत सुंदर है। और ये एक कांच वाली चूड़ी भी थी,
और ये मैंने ट्रेंडिंग वाला जो चूड़ा होता है वो लिया। इसमें मैंने कुछ अपनी पसंद के जरकन के कड़े वगैरह सेट करवाए थे। और ये खाने पीने का तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि बारिश के मौसम में ज़्यादा खाया नहीं जाता, ख़राब हो जाता है। एक समय था जब बहुत कुछ आता था तो बच्चे और मम्मी जी थी तो वो बांट देती थी सब लोगों को, परिवार बड़ा था, छोटे बच्चे हैं इतना हम नहीं खा पाते हैं तो वेस्ट हो, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेती। इसमें दो तरह के घेवर हैं, एक केसर घेवर है एक मलाई घेवर है। अभी मैंने इनका भोग वगैरह भी देना है। और ये मट्ठी वगैरह गोलियाँ, जो नमकीन मीठी मट्ठी होती है, अनरसे वाली गोली होती है, ये नमक पारे का पैकेट, भुजिया का, फल वगैरह बच्चे ने काट लिए थे इसलिए मैं एकदम दिखा नहीं रही हूँ, बच्चों ने भोग वगैरह मैंने दे दिया था वो। तो चलिए गाइस, ये था थोड़ा बहुत सामान जो खाने पीने का था, चलते हैं अब आगे। गाइस हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत मस्त मौसम हो रहा है, हवा बहुत तेज चल रही है। चलिए चलते हैं अब मंदिर, आपको दिखाते हैं मंदिर में और दर्शन कराते हैं माँ। गाइस मैं आ चुकी हूँ झंडे वालन मंदिर, तो गाइस चलते हैं अब आपको दर्शन कराते हैं माता रानी के। थोड़ी भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। जय माँ झंडे वाली। अब हम मंदिर में आ चुके हैं। मंदिर में हमारे अच्छे से दर्शन हो गए हैं और बहुत गर्मी भी लग रही है, हवा भी है हल्की। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको और मंदिर का। झूले की और यहाँ ऊपर झूला, अभी तीज का शाम के समय में झूले की तैयारियाँ होंगी, सभी आएंगी सारी लेडीज यहाँ पर। और अब चल रही है यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा और इतने बड़े बड़े पंखे भी लगे हुए हैं यहाँ पर। गाइस देखिए यहाँ हो रही है तैयारी, शाम को होएगा यहाँ पे भजन कीर्तन होता है, डांस वांस होता है और झूले भी डल चुका है माता के मंदिर में। और यहाँ इतने बड़े बड़े पंखे हैं देखिए माता के मंदिर में, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और देखो बच्चे कितना खुशी खुशी यहाँ भाग रहे हैं सारे बच्चे। चलो चलते हैं अब हम। ओम नमः शिवाय, शिव शंकर भोलेनाथ। बहुत ही सुंदर शिवलिंग है यहाँ पर, देखिए कितना सुंदर यहाँ पर डेकोरेट कर रखा है, बहुत ही सुंदर। जय हर हर महादेव। देखिए कितनी सुंदर डेकोरेशन कर रखी है यहाँ पर। अब हम यहाँ से ले रहे हैं प्रसाद, यहाँ सभी को प्रसाद मिलता है। कोरोना के बाद से यहाँ प्रसाद चढ़ाते नहीं हैं, जो श्रद्धा होती है वो डाल सकते हैं दान पेटी में, पर यहाँ से प्रसाद जरूर मिलता है। बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे और अब आने को हो रही है बहुत ज़ोर से बारिश, तो जल्दी से घर चलते हैं, फिर करते हैं शाम के खाने पीने की तैयारी क्योंकि आज तीजे हैं तो शाम में खाना पीना भी बनेगा ही, बच्चे स्कूल से आते ही होंगे अब थोड़ी सी देर में। तो चलिए, तो गाइस शाम का समय हो चुका है और मैंने कर दिया अपने शाम के खाने की सभी तैयारी। और मैंने व्लॉग इसलिए नहीं लिया, दोपहर का बच्चे आ गए थे स्कूल से, आते ही मैंने उनको फटाफट से खाना वगैरह दिया, वो नहाए धोए और एकदम सो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं बच्चे स्कूल से आते हैं तो। और कुछ देर मैंने भी रेस्ट कर लिया क्योंकि हम सब उठते ही बहुत जल्दी हैं, तो बस अब मैं लगती हूँ फटाफट से अपने शाम के खाने में। देखो जियांशी का यहाँ सो रही है, मैं गई है अभी नीचे वाले रूम में उठ के, अब पता नहीं बारिश भी आ रही है, अब ट्यूशन जाएगी नहीं जाएगी अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि जियांशी की तो मैंने छुट्टी करा दी क्योंकि बारिश उस टाइम तेज़ थी जब उसे जाना होता है। तो चलो मैं दिखाती हूँ आज के खाने में मैं क्या तैयारी कर। देखिए मौसम कैसा हो रहा है, अभी हल्की हल्की सी फुहार है, बस बारिश थोड़ी रुक गई है और बस मैं करती हूँ फटाफट से खाने पीने की तैयारी। तो गाइस मैंने छोले उबलने रख दिए हैं और यहाँ मैं अभी बना रही हूँ बेसन वाली प्याज हरी मिर्च की पकौड़ियाँ और हलवा बनाऊँगी गरम गरम और बेसन की पकौड़ियाँ। फिर से जल्दी से करते हैं फटाफट से काम। हेलो गाइस कैसे हो? तो गाइस आप देख सकते हो मैं रेडी हो चुकी हूँ, ऐसा इतना कुछ मैंने पहना नहीं है, नॉर्मल सी मैंने अपनी कुर्ती डाली है। और यहाँ पर देखो जियांशी भी उठ गए। जिया देखो गाइस एक्टिंग कर रही है, अभी उठी हुई थी पूरी तरीके से। और अभी चाचा मारने कह रहे हैं कि ना तू मारने में
पिज्ज़ा मंगवा रहा हूँ, अभी मेरा टाइम होने वाला है ट्यूशन का, तो मैंने कहा ठीक है भाई जब जो करो जल्दी करो फिर मैं जाऊँगी। तो बस सब वेट करते हैं चाचा की और आपसे भी। गाइस चाचा आ चुके हैं हमारे लिए पिज़्ज़ा लेके और अब मैं चलती हूँ नीचे। और यहाँ पे देखो बेचारी मम्मी हमारे लगी हुई है यहाँ पे खाना वगैरह तैयार करने में। जो भी है मम्मी का भी तो खाएंगे, वो रात में खाएंगे, पर अभी और ये रे चाचा हमारे लिए क्या है, ये चाची ने मंगाने मंगवाया, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। और ये रे हमारे दो पिज्जास, ये रे देखो गाइस और भी हैं, बस अब खाते जल्दी से फिर मेरे ट्यूशन का टाइम भी हो रहा है यार। ये भी इसमें भी है, तो गाइस यहाँ पे हमारी चल रही है फुल पिज़्ज़ा पार्टी और ये जियांशी खा रही है। चीज़ पिज़्ज़ा खा रहे हो, इसका फेवरेट है ये, देखिए गाइस बहुत टेस्टी है। तो गाइस अब शाम का समय हो गया है पूजा वगैरह करने का, यहाँ महक के डैडी भी आ गए हैं बच्चों के साथ इंजॉय करने। देखो पिज़्ज़ा ये भी खा रहे हैं, तो बस बच्चों को कुछ दे भी दो भाई, कुछ पैसे वगैरह भी दे दो। ये देखो गाइस अब महक को और जियांशी को मिलेंगे कुछ पैसे। गुड्डू को मिले पहले, क्या दे रहे हो भाई? 200 रुपए महक को, 100 रुपए जिया के। चलो भाई बढ़िया है, अब मुझे भी दे दो यार कोई। बहुत कुछ करते हैं हमारे मम्मी पापा हमारे और चाचा चाची भी, देखो उन्होंने आज पिज्जा मंगवाया और मम्मी डैडी तो करते रहते हैं, थैंक यू। चलो गाइस मैं तो करती हूँ अपने मंदिर की पूजा वगैरह, बच्चों को बेटियों को तो देन लेन चलता ही रहता है और इनके देने से ही हमें बहुत कुछ फल मिलते हैं, तो मिलती हूँ अभी कुछ देर में। आई हूँ हलवा पूरी का, सबसे पहले भोग अपने कान्हा जी के लिए, कान्हा जी को भोग देती हूँ, फिर मैं बच्चों को दूंगी, फिर शीतला माता को भी भोग देना है। यहाँ देखो जियांशी खाने के लिए परेशान है, हाँ अब भी छोटी सी मेरी लाडो हो कन्या माता हो। चलिए गाइस देते हैं, देखिए ये पतंग उड़ा रहे हैं, देखो यूवी को देखो, इसको बहुत शौक है पतंग उड़ाने का। देखो देखो गाइस ये सब छत पे चढ़े हुए हैं, इस वाले को काट बाटा परेशान कर रहे हैं, नीचे घूम रही है ना। और तो गाइस जनित देखो पतंग उड़ा रहा है यहाँ पर, मैं छत पर आई हूँ, देखिए ये पतंग उड़ाने में लगा हुआ है। और यहाँ जियांशी भी है। तो गाइस हमने सबने खाना वगैरह खा लिया, देखिए जियांशी भी अब थक चुकी है क्योंकि अब से मॉर्निंग में स्कूल जाना है बच्चों को। महक के डैडी ने, वो सब नीचे वाले रूम में बैठे हुए हैं। चलिए गाइस करते हैं इस व्लॉग का यही एंड, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा तीज का व्लॉग पसंद आया होगा, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहना। बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।